गोरखनाथ क्षेत्र में भव्य झूलेलाल मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर ईंट रखने का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही श्रद्धालुओं को झूलेलाल मंदिर बन जाने की खुशखबरी मिलेगी। महापौर सीताराम जायसवाल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सिंधी समाज के नागरिकों के साथ मंदिर का भूमि पूजन किया। बता दें कि 4 लेन बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण के कारण गोरखनाथ रोड पर स्थित झूलेलाल मंदिर को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम प्रशासन को मंदिर के लिए जगह देने का नगर निगम के अवसरों को निर्देश दिया था। इस कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री इंजीनियर पी के मल सहित सिंधी समाज के साथ व्यापारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय मंत्री सत्य प्रकाश सिंह व सिंधी समाज के प्रतिनिधिगढ़ और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हाथ पे सबका चेहरा ढक जाएगा। ओम विष्णुये नमः, विष्णुये नमः, श्री विष्णुये नमः, श्री हे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्ष आर्यावर्त देशे न बुद्ध अवतारे कलियुग कली काली मासे फाल्गुन मासे कृष्णाम पक्ष सहितो मंडलो त्रयोदशम पुण्यतिथौ महाशिवरात्रि पुण्यतिथौ सहितो मंडलेन देव देवा पूजा कन था प्रेमी, पूजा कन था प्रेमी सिद्ध गुरु की सेवा। ओम जय दुला देवाली ओ बाबा सजन दान बखन सब दिल सा को न दे ठुम खाली। ओम जय दुला दे दो अखियों दुखियन के दारू ओ बाबा दुखियन के दारू मन जो पाए मुरादा मन जो पाए मुरादा मेहर मया सा साईं जी मेहर मै जग में लाल डाली ओ साई लाल तुंजी लाली अमर लाल वच मावट अमर लाल वच मावट बेवस जावाली। ओम जय दूला देवा जग जा जीव सब साई पानी अबिना प्यासा ओ बाबा पानी अबिना। ओम कर भूल सावधारम संसार सारम मुझेम आरम सदा बसम निर्धारम देव ओम भवार्थम जय सहितम नमः सर्व मंगल मांगले सुगे गज कर बोल मरे लाल की जय। दिन रहमा घड़ी घड़ी तेरा आसरा चैर कुमार प्रभु मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना प्रांतीय मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल। आज का ये जो कार्यक्रम है ये सिद्धि समाज के तरफ से इनका जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था और ये पूर्व में भी इनके यहाँ भवन रहे हैं अब ये नए भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम था ये भूमि पूजन का और ये महापौर के करकबलों के द्वारा ये हुआ है और यहाँ पे
समाज के जो विभिन्न तबके के जो वृद्ध और सभी युवा सभी लोग सहयोगी जो जिनकी कार्यों में इसमें बड़ी अग्रिम भूमिका है, इसमें हमारे अर्जुन बालानी जी जो है वो कीट निर्माता समिति के महामंत्री हैं, हमारे ये नरेश बजाज जी जो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के सदस्य हैं और हमारे व्यापार मंडल के महानगर के संगठन मंत्री हैं, और भी हमारे ये यहाँ राजकुमार सिंह जी हैं जो महानगर व्यापार मंडल के मंत्री हैं, युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष सक्सेना जी हैं, राम विनय सिंह जी हैं, आनंद ये अग्रहरी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और भी पूरे समाज के लोग की बड़ी शुभकामनाएँ हैं कि ये समाज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और इसी तरीके की बड़े से बड़े कार्यों का निष्पादन करे और समाज आगे एक अग्रणी रूप में एक अपनी भूमिका अदा करेगा, और हम लोगों का व्यापार मंडल का इन लोगों के साथ एक आज नहीं 300 साल पुराना संबंध रहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कृष्ण बिहारी सिंह जी जो इस समाज के अगुआ भी रहे हैं, वो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रांतीय मंत्री की हैसियत से सारा उन्होंने भी व्यापार मंडल को आगे जगाने का कार्य किया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिंधी समाज के युवा साथी हैं वो भी आगे बढ़कर चढ़ करके व्यापार मंडल के आगे के समय में भी उसमें इनकी अग्रणी भूमिका होगी और आगे अनवरत रूप से इनका सहयोग और हम लोग भी इन्हें अपना अनवरत सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस नवनिर्मित भवन के यथाशीघ्र पूर्ण होने की मंदिर के यथाशीघ्र पूर्ण होने की ईश्वर से कामना करता हूं, और ऐसे उत्साही लोग और समाज के प्रबुद्ध जन इसमें लगे हुए हैं, यह बड़ा ही जल्द से जल्द यह निर्माण पूरा होगा, यह हमारा विश्वास है। हम लोगों की सारी शुभकामनाएं भी इन लोगों के साथ। अर्जुन वालानी अध्यक्ष है, आज का कार्यक्रम ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था। पिछले दिनों सड़क के चौड़ीकरण में हम लोगों के आराध्य देव और इस शहर के आस्था के प्रतीक झूलेलाल जी के मंदिर को इस शर्त पे तोड़ा गया था कि इसकी जगह आपको एक नई जगह दी जाएगी। शासन और प्रशासन ने हमें कई एक दो जगह तीन जगह दिखाई थी, जिसमें एक जगह ये सड़क के किनारे, जिसमें मुख्य जिलाधिकारी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सहयोग हमेशा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते थे कहते थे मंदिर बनाओ, अच्छा बनाओ, जगह तुमको जो चाहिए प्रशासन से मिलकर ले लो। हम लोगों के मंदिर को जिस वजह से तोड़ा गया था उसकी जगह पे ही जमीन की जगह हमें जमीन दी गई है। हमने कोई मुआवजा नहीं लिया है सरकार से, न जमीन का न तोड़ने का, उसके एवज में हमें एक नगर निगम के कार्यालय को हमें दिया गया है। यहाँ पे पूर्व में एक छोटा सा ऐसे ही बंद पड़ा हुआ कैंप कार्यालय था, थोड़ी सी जगह ये थी। ये सड़क के चौड़ीकरण से पहले लगभग 1600 स्क्वायर फीट थी, जो सड़क के चौड़ीकरण के बाद आज वर्तमान में 1384 स्क्वायर फीट बची हुई है। ये जगह हम लोगों को दी गई है नए मंदिर के निर्माण के लिए, आज उसी का भूमि पूजन था। हम लोग अब इस पे कार्य शुरू करेंगे और जल्द से जल्द एक सुंदर सा भव्य सा झूलेलाल जी का मंदिर बनाएंगे। झूलेलाल जी वरुण देवता ये सारे सब लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में पूजा जल से ही शुरू होती है। ये वरुण देवता सबके हैं, हम लोगों के आराध्य देव हैं, लेकिन ये देवता सबके हैं, जल के देवता हैं। पूरा हिंदू समाज इससे पूजा करता है, यही वजह है कि पूरा हिंदू समाज पूरे सारे लोग सबकी आस्था का प्रतीक ये रहा है इस शहर में पिछले 70 सालों से। नरेश बजाज, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी गोरखपुर सदस्य। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क के चौड़ीकरण में बहुत सारे मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे क्या क्या जो है बड़े हुए छोटे हुए, लेकिन हम लोगों के साथ जो है उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को मंदिर के बदले मंदिर हम जरूर देंगे। उन्होंने उसी को पूरा करते हुए ये हम लोगों को ज़मीन दी, हम लोगों ने आज इस पर शिलान्यास किया। पूरा समाज मिल करके इस पर जल्द से जल्द भव्य निर्माण करेगा। हम कहीं से भी शासन प्रशासन से हट करके नहीं, शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त है और हम जल्द से जल्द इस मंदिर का निर्माण पूरा करके आदरणीय अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से मूर्ति का अनावरण करने का प्रोग्राम बनाएंगे। लक्ष्मण नारंग, मनोनीत पार्षद गोरखपुर नगर निगम। बहुत अच्छा लग रहा है और ये शुभ दिन के संकेत हैं।
इसलिए कि जो भी कार्य होता है दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह, तो इसलिए टूटे हुए मंदिर को और भी सुंदरीकरण के साथ होगा और सबके दर्शनार्थ के लिए यहाँ झूलेलाल का मंदिर जो है सन 51 से लेकर अब तक था, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इस टूटने के बाद ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से आज जो यह बहुत ही सुंदरीकरण के रूप में भव्य रूप में बनने जा रहा है, ये सब सबकी कृपा का फल है। पूरा सिंधी समाज इसका जो है पूज्य महाराज जी का ऋणी है और उन सब का जो है ऋणी है। मैं कमल कुमार मंजानी गोरखपुर का अध्यक्ष पद पे हूँ और आज के इस पावन पर्व शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो पूरे समाज को, सिंधी समाज का जो यहाँ पे उत्साह भूमि पूजन के दौरान दिख रहा है और साथ ही साथ अन्य शहर के जो भी समाज हैं, सब भी समाज के सिख समाज, हमारे व्यापारी वर्ग, जो भी अन्य समाज हैं उनका भी जो यहाँ पे सभी लोगों ने उपस्थिति दर्ज की, स्वयं महापौर जी ने, हमारे मुन्ना भाई जी ने, व्यापारिक संगठनों से स्थानीय विधायक महोदय और राधा मोहन जी ने, स्थानीय पार्षदों ने, जो भी सभी समाज के लोगों ने जो यहाँ पे भूमि पूजन पे शिरकत की है, मैं अपने समाज के तरफ से उनका जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यह जो भूमि पूजन आज हुआ है, जो जमीन हमको सरकार द्वारा मुहैया की गई है, इस पे एक भव्य मंदिर निर्माण का जो आज का लोगों का उत्साह देखते हुए लगता है कि ये बहुत जल्द से जल्द और अच्छे रूप में ये निर्माण आपको दिखेगा। और मंदिर के लिए सबसे बड़ी प्लस बात यह है कि हमको पूरब दिशा की जमीन मिली है, ये भी एक हिंदू धर्म में इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। धन्यवाद। आज बड़े हर्ष की बात है कि इनक्रोचमेंट में जो मंदिर झूलेलाल जी का हटाया गया है उसकी मूर्ति आज भी सुरक्षित है और इसी क्षेत्र में पुराने मंदिर के सामने आज शिवरात्रि के पर्व के त्यौहार के अवसर पर झूलेलाल जी की मंदिर की स्थापना के लिए पूजा की गई है। उस कार्यक्रम में सिंधी समाज के साथ साथ हमारे व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सतप्रकाश मुन्ना जी, युवा अध्यक्ष मनीष सक्सेना जी, राजकुमार सिंह जी और राम विनय जी, साथ ही साथ हमारे नगर निगम के सहयोगी उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा जी, जितेंद्र सैनी जी, नारंग जी, ये सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, साथ ही साथ नगर विधायक भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर झूलेलाल जी के मंदिर की स्थापना के लिए पूजा की है और नींव में ईंट डाला है। हमें उम्मीद है कि मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। मैं सिंधी समाज के साथ साथ सभी समाज के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं अपने तरफ से, जनता की तरफ से महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।